हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है और आज जो है सो फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जो मैं सीरीज जारी किया हूँ। जैसे मैंने 2020 का सारा क्वेश्चन डिस्कस करवाया हूँ, अब मैं 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ। तो इसमें 2019 में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ 30 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2019 एंड 36 क्वेश्चन वर आस्क्ड इन 2020। तो इसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामर से। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, और 36 क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। ठीक, तो ये ग्रामर का था। तो ये 36 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा लिया है और मैं अब इसको डिस्कस करवा रहा हूँ 2019। तो 10 क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है, वो पहले प्रीवियस वीडियो में था। अब जो है हम लोग 11 से 20 तक डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बार बार इन नॉट इन एवरी वीडियो बट इन द मोस्ट ऑफ द वीडियो आई रिपीटेड दैट स्टेटमेंट, इफ़ यू हैव अ कमांड ओवर टेंस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और इवन आई कैन श्योर यू, नॉट अ प्रोबेबिलिटी, आई कैन श्योर यू विद अ सर्टेनिटी दैट यू विल ग्रैब गुड मार्क्स इन ग्रामर सेक्शन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द टेंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द टेंस, सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम वॉइस एंड सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम नरेशंस, बट मोस्ट क्वेश्चन आर फ्रॉम टेंस। तो अगर आपको टेंस पे थोड़ा बहुत कमांड है तो आप अच्छा खासा जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसलिए आप टेंस को कवर करने की कोशिश करें। मैं वैसे लास्ट में वीडियो बनाऊंगा टेंस पे, लेकिन आप भी खुद से करने की कोशिश करें। चलिए आज हम 11 से डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका पहले जो है इसका दिया हुआ है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, दैट मीन्स फोर ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन, ऑलमोस्ट फोर सेंटेंस हैव बीन गिवन। इन ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें से हमको चूज़ करना कि कौन सा ही है। आई विश वर आई यंग अगेन, आई विश वॉज आई यंग अगेन, आई विश आई वर यंग अगेन, आई विश आई वॉज यंग अगेन। अब होता क्या है जब हम टेंस में पढ़ाते हैं कि पास्ट सिंपल जब पढ़ाते हैं तो पास्ट सिंपल का एक क्लॉज होता है, पास्ट सिंपल में एक सेक्शन होता है, यानी कि एक तरह कह सकते एक रूल है कि अगर प्रेजेंट का अनफुलफिल डिज़ायर है, जो प्रेजेंट में आपका अनफुलफिल डिज़ायर पूरा नहीं हुआ है उसको पास्ट सिंपल में बनाते हैं। और पास्ट सिंपल में जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट चाहे जो कुछ भी हो उसके साथ क्या होता है, वर आता है। यानी अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आई है या शी है, ही है या फिर कोई भी है, क्योंकि यू के साथ, दे के साथ या बाकी जो प्रोनाउन है उसके साथ तो वर आता ही है। लेकिन किसके साथ नहीं आते, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ या इट के साथ या जो फिर कोई नाउन होता है सिंगुलर उसके साथ नहीं आता। तो ये जो क्लॉज होता है, और ये हम कह सकते हैं एक अनफुलफिल डिज़ायर वाला सेक्शन है, यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस बनता है। कहते हैं ना कि आई विश आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई, काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ़ शी वर अ गुड डांसर शी कुड टीच एवरीवन फ्रीली, तो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई कुड इरेडिकेट पॉवर्टी। तो ये जो बातें होती है ना, क्या है कि अगर मैं ऐसा होता, तो ये प्रेजेंट में होता है लेकिन इसको बनाते पास्ट सिंपल में। तो इसी में क्या है कि आई विश वर यहाँ नहीं आना चाहिए, सरासर गलत है, आई विश वाज तो आना ही नहीं चाहिए। ये जो सेंटेंस देख रहे, आई विश आई वर अ आई वर यंग अगेन, काश मैं एक बार फिर से जवान हो जाता, तो ये सेंटेंस जो सी वाला ये सही है और ये गलत है। तो आप देख लें कि आई के साथ आप पढ़े होंगे कि वाज लगता है, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा जो कंडीशन होता है, इन दैट कंडीशन वी कैन यूज़ वर्ब विद आई, तो ये सेंटेंस सी वाला सही है। सेकेंड देखते हैं, हैव यू सीन डैश ताजमहल, हैव यू सीन डैश ताजमहल, इसमें ऑप्शन दिया है ए एन द और नन ऑफ दिस। आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो जनरली पढ़ाए,
वैसे प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं आता है, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स होता है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह होता है, उसके साथ जो है द आता है, जो डेफिनेट प्रोनाउन हो, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका आएगा, हैव यू सीन द ताजमहल। नेक्स्ट है, द स्कॉलर एंड पोएट डाइड। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में है ए, यानी कि हैव, बी में है हैज, सी आर, और डी है नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ देखिए, एक क्लॉज, एक जो क्या कहते हैं कंडीशन होता है कि जैसे यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा, जब हम कहते हैं एंड को किसी चीज़ से, अगर हम राम एंड श्याम लिखते हैं तो यहाँ पर दो हो जाता है, तब तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हैव आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ क्या है कि जब द लगता है बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जैसे यहाँ पर है द स्कॉलर और द पोएट होता, अगर मान लेते यहाँ पर द स्कॉलर और द पोएट होता तो ये दो व्यक्ति होता, लेकिन क्या लिखा है द स्कॉलर एंड द पोएट, यानी कि जो स्कॉलर है वही पोएट भी है, तो इसीलिए इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये सिंगुलर हो गया, तो हैव तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि आर प्लूरल के लिए है और हैव क्या होता है, प्लूरल के लिए होता है। तो ये दोनों जो है ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा, हैज़ वाला पार्ट। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब द लगा करके एंड लगाता है तो आगे वाले पार्ट में भी द आना चाहिए, तब डिफाइन होता है कि वो दो व्यक्ति है, अदरवाइज ये सिर्फ एक ही के लिए है, कि एक व्यक्ति में डबल कैरेक्टर होता है, कि वो पोएट भी होता है, कभी जर्नलिस्ट भी होता है, कभी सर्जन भी होते हैं। आप जब लिटरेचर पढ़ते होंगे तो देखते हो ना कि बहुत सारा जो ऐसा राइटर है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे जॉन कीट्स के बारे में कहते हैं, पहले वो सर डॉक्टर था, फिर जो है वो पोएट बना, तो इसी तरीके से, तो उसके लिए है। तो इसमें जो है यहाँ पर सिर्फ हैज़ आना है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यानी कि टाइमिंग बता रहा है। तो जब आप टाइमिंग का बताया जाता है, या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, या फिर जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कह सकते हैं, या परफेक्ट वाला सेंटेंस होता है वो। तो इसमें जॉन डैश इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, तो यहाँ पर क्या है, हैज़ बीन लगा है, लाइज लगा है, इज लाइंग और लाइड। तो जब टाइमिंग होता है तो या तो परफेक्ट आना चाहिए या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आना चाहिए। तो यहाँ ये क्या है, कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट सिंपल है और ये पास्ट सिंपल है, तो ये क्या आएगा, ये वाला सेंटेंस कि जॉन हैज़ बीन लाइंग इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह से वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15th नंबर में क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जैसे 11th में था, शी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी। अब यहाँ पर है कि शी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, पहला, शी इज द गर्ल हुम नेम, सॉरी हु नेम इज रावी, यानी कि सी वाला ऑप्शन। बी कर रहे हैं, शी इज द गर्ल हुम नेम इज रावी एंड शी इज द गर्ल दैट नेम इज रावी। अब होता क्या है, देखिए ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आप आई को मान लेते हैं, एक सेकेंड, जैसे आप कोई भी प्रोनाउन होता है, तो जो प्रोनाउन होता है उसका क्या होता है, आई और सब्जेक्टिव केस, माय, माइन और मी, तो ये ऑब्जेक्टिव, ये पोजेसिव केस। इसी तरीके से जब हु होता है, जो ये हु होता है, इसका हुज जो है पोजेसिव और होम क्या है, होम क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ये आप जैसे देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो अब होता कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं आता है। तो अब यहाँ देखिए, शी इज द गर्ल हुज नेम, तो ये पॉजिटिव केस है, कहते हैं दिस इज द मैन हुज फादर इज, हुज़ फादर इज़, तो यहाँ पर ये जैसे माई पेन कहते हैं, पॉजिटिव केस लगाते हैं, उसी तरीके से हुज़ नेम इज़ रावी, तो ये आंसर होगा। या ये क्यों नहीं होगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, हुम नेम इज़ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, गर्ल्स सब्जेक्टिव केस है, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर दैट का यूज़ दोनों कंडीशन के लिए होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बना, फर्स्ट वाला। 16th, द हाउस
वॉज पेंटेड बाय टॉम। अब ये इसको देखें, अभी तक जो हमने बताया वो टेंस का था, अब जो बना रहे हैं वो क्या है, वॉइस का है। तो यानी 16 नंबर का द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम, कि हाउस को जो है पेंट किया गया टॉम के द्वारा, तो पैसिव वॉइस में है। नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस। तो पहले जान लेते हैं कि है क्या ये। तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, तो हमको पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस चाहिए। तो नाउ दिस सेंटेंस इज इन अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो हम पहला सेंटेंस देख रहे हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। अब क्या है, टॉम इज पेंटिंग द हाउस, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये गलत है। अब कहते हैं टॉम पेंटेड, सॉरी पेंट्स हाउस, प्रेजेंट सिंपल है तो ये भी गलत। तो अब क्या है, टॉम पेंटेड द हाउस, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल। तो इसी का अगर हम यहाँ पर उल्टा करके लिख दें तो हाउस बन गया वो, और द टॉम द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, तो यानी कि पास्ट सिंपल का है। 17th नंबर क्वेश्चन क्या है, 17th नंबर क्वेश्चन है आई डैश स्पीक इंग्लिश। तब आई के साथ डज तो आएगा नहीं, आई के साथ हैव तो आता है, लेकिन हैव नॉट के साथ तो स्पीक नहीं आता है, क्योंकि जब भी हैव के साथ आता है या तो इन्फिनेटिव आएगा या नाउन आएगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आएगा, कभी भी यहाँ पर V1 नहीं आ सकता है। तो फिर क्या आएगा, और हैड के साथ और हैव के साथ वही कंडीशन है, तो आई के साथ क्या आना चाहिए, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई डोंट या आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब 18th नंबर क्वेश्चन, आइदर ऑफ द टू, ये आपको जब हम 2020 वाला क्वेश्चन समझा रहे हैं तो वहाँ पर भी समझाए थे कि आइदर का यूज़ और नाइदर का यूज़ दो के लिए होता है, आइदर ऑफ टू। जब भी हम कहते हैं आइदर ऑफ यू और आइदर ऑफ टू पेन और आइदर ऑफ एनीथिंग, यानी कि जब दो की बात होती है तब आइदर और नाइदर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आइदर ऑफ टू डैश एक्सेप्टेबल, और जब हम दो में से आइदर को यूज़ करते हैं या ईच को यूज़ करते हैं तो वो हमेशा दो में से एक की बात हो रही, तो स्विंगलर हो गया। यहाँ पर टू जरूर लगा है लेकिन ये स्विंगलर के लिए आता है, तो या तो इज आएगा, आर तो प्लूरल होता है, हैव भी प्लूरल होता है, और हैज़ का कोई मतलब नहीं बनते, आइदर ऑफ टू हैज़ एक्सेप्टेबल तो होता नहीं, क्योंकि हैज़ के बाद एडजेक्टिव क्या करने आए, तो आइदर ऑफ टू इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि पहला। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अ लॉट ऑफ इनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। अब ये जो हम का क्वेश्चन देख रहे हैं इसका लगता है मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या है, पहला वॉज, दूसरा क्या है वर, थर्ड क्या है कैन, और फोर्थ क्या है विल। गलती से मैंने इसको शायद छोड़ दिया। तो आप देखिए लॉट ऑफ इनर्जी, अब एक चीज़ याद रखना है, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये जब भी यूज़ किया जाता है तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं ये इनर्जी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ यानी क्या आना चाहिए, स्विंगलर आना चाहिए अनकाउंटेबल के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अ लॉट ऑफ इनर्जी वॉज वेस्टेड, चूँकि ये पैसिव वॉइस में बना, लॉट्स ऑफ इनर्जी वॉज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग, तो कैन नहीं आएगा, विल का मतलब, क्योंकि विल के साथ अगर देखिए यहाँ पर ये V3 है, या इसको एडजेक्टिव भी मानते तो भी, तो ये V3 है ये, तो वहाँ पर क्या है कि विल के साथ बी आना चाहिए, तब होगा लॉट्स ऑफ इनर्जी विल बी वेस्टेड, तो बी आना चाहिए तो नहीं है। उसके बाद वर आ नहीं सकता है क्योंकि प्लूरल है, कैन के साथ भी बी आना चाहिए तभी पैसिव वॉइस बनता है, तो क्या आएगा वॉज, लॉट्स ऑफ इनर्जी वॉज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर्स, बहुत सारा इनर्जी बर्बाद कर लिया, कहते ना कि यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, तो लॉट्स ऑफ इनर्जी वर वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रूथ, तो इस तरीके की घट। नेक्स्ट है 20th नंबर क्वेश्चन, दोज हु वर्क, यानी कि जो काम, अब यहाँ पर देखिए दोज और हु वर्क, तो चूंकि ये प्लूरल है, दोज हु वर्क इन द सेम हॉस्पिटल, तो ये आपको एक पूछ रहा है कि जो एक ही हॉस्पिटल कहते हैं डिपार्टमेंट, जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है उसको क्या कहते हैं। तो पहला है कॉलेज, ये तो कोई मतलब नहीं होता है, दूसरा है कलीग, तीसरा है फ्रेंड, चौथा है बैचमेट। तो अब याद देखिए हमारा नॉर्मल जो दोस्त होता है उसको हम फ्रेंड कहते हैं,
जो हमारे स्कूल में पढ़ता है उसको हम बैचमेट कहते हैं, जो हमारे ऑफिस में किसी तरह काम करता है उसको हम कलीग कहते हैं। इसी तरीके से जो कोई आपको रिवोल्यूशंस में काम करता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे मार्टिन लूथर किंग वाला जो चैप्टर था उसमें एक जगह कॉमरेड वर्ड का यूज़ हुआ था, तो जो आंदोलन उसके बाद मार्टिन लूथर किंग वाले में और उसमें नेशनल मंडेला का जो चैप्टर था उसमें, तो उस क्या है कि कॉमरेड जो होता है, जैसे कि आपके साथ कोई रेवोल्यूशन में कोई सेना में, यहाँ जो दोस्त होता है आपके साथ उसको हम कॉमरेड कहते हैं, तो कॉमरेड तो है नहीं, और यहाँ पर क्या है डिपार्टमेंट दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा कलीग, यानी कि बी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से आज मैंने 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आज डिस्कशन की 11 से 20 तक, तो सो फार आई हैव डिस्कस 20 क्वेश्चन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस 10 मोर, दैट मीन्स आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो 30 क्वेश्चन फ्रॉम 2019 फ्रॉम ग्रामर सेक्शंस। तो ये सीरीज चलते रहेगा आपके एग्जाम तक, 4th को आपका इंग्लिश का पेपर है। आई होप कि तब तक आप तैयारी करते रहिए, बीच बीच में और मैं कुछ डिस्कस कराऊंगा, एक सीरीज ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें सारे राइटर का नाम उसने क्या लिखा है वो भी बना करके करूंगा, उसका ग्रामर का भी कुछ जो बता सकता हूं जितना शॉर्ट पीरियड में बता सकता हूं, क्योंकि ग्रामर पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट आई विल ट्राई टू टीच यू समथिंग दैट कुड बी वेरी बेनिफिशियल एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजली। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।